हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो मतलब थोड़ी सी खास होने वाली है। आज की वीडियो बाहर कहीं की भी नहीं है। आज की वीडियो सिंपल, और आज की वीडियो इसके ऊपर। तो भाई, ये बाइक पे लगे हुए थे तो मैं इनको देख रहा था कि इनका कुछ कर सकता हूँ मैं। तो मेरे पास ये मेरे पुराने इंडिकेटर पड़े हुए थे जिनका यूज़ करता नहीं था, तो मैं ऐसा क्यों नहीं इनका कुछ यूज़ किया जाए। तो खुद ही मैंने एक मिरर के ऊपर इसकी फिटिंग करी हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पल्सर 220F के मिरर है, ये इंडिकेटर है जो मैंने पुराने अपने बाइक पे लगाए हुए थे, यहाँ से टूट भी गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये मिरर चाहिए, ये इंडिकेटर चाहिए, और कोई शार्प ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे आप इसकी कटिंग कर सको। मेरे पास अभी कटिंग करने के लिए कुछ नहीं, एक नाइफ है ये वाला। कटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूँ आपको कटिंग किस हिसाब से करनी है। कटिंग आपको इसके जैसे फिश कट में है, आपको इसी के हिसाब में कटिंग करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको पुराना वाला मिरर तो नहीं दिखाऊँगा, तो पर आपको कटिंग ऐसी करनी है कि ये इसमें फिट आ जाए। तो सबसे पहले इस चीज़ को निकालते हैं। स्क्रू को निकालने के लिए हमें चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर जो छोटा सा हो। तो भाई मैं इसको निकालता हूँ, टाइट है। तो भाई इसको निकाल दिया है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको ये वाली तार यहाँ से नहीं कट करनी है, ये वाली तार थोड़ी यहाँ से लेट करेंगे हम। तो मैं इसी से कट कर दूँगा। तो भाई ये काट दिया मैंने, इसको निकाल देते हैं। ये आ गई वाली तार, चिपकी गई है, निकल गई। बाकी सामान हम रख देते हैं साइड पे। अब इसकी कटिंग करनी है हमने स्टार्ट। तो पहले आप इसकी कटिंग अपने हिसाब से मतलब अपनी मर्ज़ी से करें कि आपको ये कहाँ पे चाहिए। मुझे इसके टॉप पे चाहिए, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कटिंग की मुझे इसकी। तो भाई इसको हम यहाँ से कटिंग करेंगे। पहले आप थोड़ा सा इससे मार्क कर लें, इसकी कटिंग करते हैं स्टार्ट। पहले थोड़ा थोड़ा मार्क लगा देंगे उस पर। मैं तो इससे लगा रहा हूँ, आप किसी से लगा देना। तो भाई इसकी कटिंग करते करते कुकिंग जो भी करें थोड़ा ध्यान से करें। तो भाई इसकी कटिंग हमने इसको हीट करने के बाद करी है। जब यहाँ पे हाथों कट लग गया तो उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा हीट करा। तो हीट करने के बाद हमने इसकी इतनी कटिंग कर दिया। तो भाई अब हम इसको यहाँ से निकालते हैं। तो भाई ये निकल चुका है, हमने फैन ऑन करा हुआ है। तो हमारा न्यूज़पेपर नहीं उड़ गया, तो न्यूज़पेपर हमने इससे नीचे बिछाया कि हम इसको काटें तो उसका भी ठीक निकले। तो साइड में रखें, जब ये कट हो जाए तो एक बार इसको इस पर चेक कर देना। तो भाई आपको भी इसकी और कटिंग करनी पड़ेगी सही से। साइड नीचे है, अब इस वाली साइड को करना। हाँ, साइड पे निकाल देते हैं। तो भाई आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लेना कि ये कुछ ज़्यादा कट जाएगा, यही होगा।
हम आपको अच्छे से बता देंगे इसके बाद क्या करना है। सही हो रहा है जी, गुड मटर का ये चीज फिर होती है तो भैया हम उसको रख के देखते हैं। इस टाइप से ज़्यादा भाई अब देख सकते हो आप अभी इस पे आ रहा है, अभी मैं इसे और काफ़ी ज़रूर करूँगी। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऊपर मोटी है जिस हिसाब से वही कैमरा लगते हैं अपने साइड पे, क्योंकि साइड पर देंगे भाई बैठे हैं। देखिए अभी इस पर हमारे थोड़ा सा प्रयोग करता है बोलते हैं अभी क्या मेरे बाद सेट करते हैं ऊपर तो भाई ये देखो भाई ये अभी इस पर परफेक्ट ऐसे करके बैठा है। तो भाई हमने इसके सूट के इधर भी होल कर दिया हुआ, देखो ये होल छोटा सा यहाँ पे एकदम इसको भी सही से काटेंगे इससे भाई ये दोनों तारे निकालेंगे थोड़ी थोड़ी और इसको जोड़ेंगे। तो भाई फाइनली ये हो चुका है पूरा परफेक्ट यहाँ से भी, तो अभी हम इसको करते हैं इसमें अच्छे से फिक्स परमानेंट। तो पहले करते हैं इसको साफ, इसके लिए दो दो चीज़ें लगेंगी मैं आपको बता सकता हूँ। हमको एक एम सील भी चाहिए पहले की और एक दो हेल्प तो लगेगी लगेगी, एक मगर ऑलरेडी ओपन पड़ी हुई है किसी कंपनी का सर्फ ले लें, पहले सर्फ का पैसे डाल देते हैं। तो भाई अब ये ध्यान से करना है आपके सारा काम, खोल देते हैं। आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ये खाली पड़ा हुआ है अभी भी कचरा साइड पर रखते हैं, ये खाली है। इस पर कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ डाल दें अगर हम इसको पुश भी करें तो ये नीचे नहीं जाए, तो पहले हम इसमें वो डालते हैं। तो भाई ये रहा न्यूज़पेपर, इस पर मैंने ऑलरेडी जो पहले वाले स्प्रे करा हुआ है तो वो ये देखते हैं
इसको एकदम पुश कर दें अच्छे से नीचे। अब हम थोड़ा सा सर उठाएंगे, ध्यान से डालनी पड़ेगी। ये देखो अब इसको इतना बच्चे जोर लगाओ, ये है यहाँ पे पेंट डालने वाला। छोड़ने के बाद थोड़ा इसको मार लें, इसको लगाने के बाद हम पेंसिल थोड़ी सी लें, ये करते हैं इसको मिक्स। भाई जो भी ऐसे हो रहा है इतना उठा लें, जो नीचे की सरफेस है इसकी ये चीज़ इस पर लगा लें, साइड साइड पे भी लगा लें। तो गाइस अभी हमने इसको लगा लिया हुआ इंजन को, तो आप एक बोतल में थोड़ा सा पानी ले लें, उसको ढक्कन पे डाल दें। तो हो गया, कोई बात नहीं, कपड़े धो लेते हैं सर पे हमारे पास होते हैं। अपने फिंगर को डिप करें, तो इस चीज़ को ऐसे फैलाएं ताकि ये परफेक्ट इस पर बैठे। देखिए अभी यहाँ पे ये हो गया, कपड़ा लेने इसको अच्छे से साफ कर लें। तो हम करते हैं वेट जब तक ये सूखेगा। तो गाइस फाइनली ये सूख गया हुआ है, ये देखो ये अच्छे से सूख गया हुआ है। अब हम ये रेप मारा है, मतलब जो दीवारों से पेंट उतारते हैं तो ये यूज़ करते हैं हमें ये चीज़ें। तो हम इसको इस पर रब करेंगे ताकि ये सारा प्लेन प्लेन हो जाए, मतलब इसके बराबर आ जाएंगे। करते हैं इसको रब, गाइस थोड़ा थोड़ा तो ये यहाँ से क्लीन हो चुका है। हम इसको भी अच्छे से और करेंगे, यहाँ से साइड से थोड़ा मोटा है। थोड़ा ध्यान से ही करें कि शीशे के ऊपर नहीं आ जाए। तो गाइस फाइनली ये पूरी शेप में आ चुका है, इसको हमने यहाँ से मतलब बिल्कुल पतला कर दिया हुआ है, यहाँ से पूरी शेप में अभी है। अब इसको पेंट करें, टेप, एक ब्लेड, स्प्रे, तो भी हम इस पर टेप लगाते हैं। टेप में से कितने एरिया पे लगानी है, इसके ऊपर ऊपर साइड भी कहीं नहीं।
पहले हम इस पर एक बार कपड़ा मार लेते हैं। अभी मैंने कपड़ा मार लिया इस पर सही से, वो इस पर स्प्रे, हाँ थोड़ा सा पीछे रख देंगे। सूखने का करना पड़ेगा, फिर इसको सूखने के बाद हम मिलते हैं। तो गाइस ये सूख गए हुए हैं, अब इनकी हमने करवानी है वापस से इस पर फिटिंग। अब ये वापस से फिट करेंगे हम इस पर, जब फिट करते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस हमने मिरर फिट करवा दिया है, तो ये कुछ ऐसी लुक दे रहा है। तो मैंने ये इंडिकेटर के साथ इसकी फिटिंग करवा दी हुई है, तो आप देखो कैसे लग रहे हैं ये, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, एक बार दूर से दिखा देता हूँ जैसे दिखाई दे रहे हैं। आई होप कि आप सबको ये पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।